हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? न्यूरॉन पढ़ा था, ठीक है। और आज अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रोज की क्लास, यानी कि एक क्लास में अपन एक टारगेट रखेंगे, उसको कम्प्लीट करना ही है। तो आज अपना टारगेट है ब्रेन को पूरा करना, यानी कि मस्तिष्क को आज पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख के रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रेन, मनुष्य के मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। यानी कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसके चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। यह है मस्तिष्क, ठीक है। ये क्या है? ब्रेन, ठीक है। तो इसका जो सबसे बाहर का आवरण है ना, उसे क्या कहते हैं? क्रेनियम। उसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे चित्र भी बना रखा है मस्तिष्क का, रफ डायग्राम, जिसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट है, ये क्रेनियम मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्रेनियम क्या करता है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये क्रेनियम है, ये किसका बना होता है? मजबूत अस्थियों का आवरण होता है। और ये क्या करता है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच तीन प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। ये क्या हो गया? मस्तिष्क। ये तो हो गया अपना मस्तिष्क, ठीक है। ये क्या हो गया? ब्रेन हो गया। और ये हो गया क्रेनियम। और इस क्रेनियम के बीच में ये तीन प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। तीन प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। ये क्रेनियम हो गया और ये हो गया ब्रेन। तो मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच तीन प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है। पहली झिल्ली होती है ड्यूरामेटर। पहली झिल्ली का नाम क्या होता है? ड्यूरामेटर। दूसरी का होता है एरेक्नोइड और तीसरी का होता है पायामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ठीक है। ये झिल्लियां मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये झिल्लियां मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से, बाह्य आघातों से तो कौन करता है? क्रेनियम। मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है क्रेनियम, करता है। और मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? ये तीनों झिल्लियां कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। इन तीनों झिल्लियों को एक साथ शब्दों में मेनिंजेस बोलते हैं। ये तीन झिल्लियां ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ठीक है। इन तीनों झिल्लियों को एक साथ क्या बोला जाता है? मेनिंजेस बोला जाता है। इन तीनों झिल्लियों को एक साथ मेनिंजेस बोला जाता है, ठीक है। यदि इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाए तो एक रोग हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? एक रोग हो जाता है। ये आईटिस, आई स्मॉल में लिखता है इनको, आईटिस क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है। क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब सूजन से होता है। जिसका मतलब किससे होता है? सूजन से। यानी किसी भी वर्ड के पीछे आपको आईटिस वर्ड दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है? सूजन है। जैसे मेनिनजाइटिस, यानी अगर इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाएगा तो रोग कौन सा होगा? मेनिनजाइटिस, ठीक है। यदि तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाए तो एक रोग हो जाता है, जिसे मेनिनजाइटिस रोग कहा जाता है, ठीक है। ये मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है, मेनिनजाइटिस रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस रोग कहा जाता है। तो अपने ब्रेन के बारे में कितने पॉइंट पढ़े? फर्स्ट पॉइंट था अपने कि मनुष्य के मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रेनियम। यह क्रेनियम मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट अपना कि मनुष्य तथा क्रेनियम के बीच तीन प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। पहली होती है ड्यूरामेटर, सेकंड एरेक्नोइड और थर्ड पायामेटर, ठीक है। इन तीनों झिल्लियों को एक साथ मेनिंजेस बोलते हैं। और ये तीनों झिल्लियां काम क्या होता है? मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। यदि इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाए तो एक रोग हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं। देखो ये ड्रॉइंग डायग्राम है, तो मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? क्रेनियम, ठीक है। और मनुष्य के मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच तीन प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? तीन प्रकार की। इसमें पहली होती है ड्यूरामेटर,
दूसरी एरेक्नोइड और तीसरी पायामेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। यहाँ तक होगा कि यदि इन झिल्लियों में सूजन आ जाए तो एक रोग हो जाता है, इससे मेनिनजाइटिस रोग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं स्क्रॉल ऑफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट अपना कि इन तीनों झिल्लियों के मध्य, इन तीनों झिल्लियों के मध्य, इन तीनों झिल्लियों के मध्य सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, या इसी को कहते हैं अपन प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव। बस इन तीनों झिल्लियों के मध्य सेरेब्रम स्पाइनल द्रव पाया जाता है। इन तीनों झिल्लियों के मध्य क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों के मध्य सेरेब्रो स्पाइनल द्रव पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अभी इन तीनों झिल्लियों में सूजन आने की वजह से कौन सा रोग हुआ था, मेनिनजाइटिस रोग हुआ था। ठीक है, उस मेनिनजाइटिस रोग का वाहक यानी कि उस उन तीनों झिल्लियों में सूजन किस कारण आता है, यानी कि किस कारण आता है। ठीक है, तो एक वायरस होता है इरेक्टो वायरस। कौन सा वायरस होता है, इरेक्टो वायरस। ठीक है,